मैं इधारों से भी बोलूंगा, दो दो तरह के जो आपने नजरिया रखा हुआ है ना, इसको खत्म करें। आपके 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 दो चीजें, आप कराची वालों के लिए आपके मामला कुछ और हैं और पंजाब के मामला कुछ और हैं। उनको गिरफ्तार करते हो तो किस तरह छोड़ते हो, हमारे कराची से किसी को भी उठाते हो, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं है, उस किसी की आंखों पट्टी बांधते हो, किसी को ले आते हो, ये ना करो यार। फिर इससे नफरत पैदा होती है, नफरत पैदा ना करो, इनको मौका दो। ये बहुत सारे लोग हैं, आप समझ रहे हो चंद लोग हैं, ये चंद नहीं है। इस गली गली में कराची हाइट्स है, वो कराची की बात करता है। आपको पठान भी परेशान नजर आएगा कि रोड नहीं है, बट आप तो बोल रहे हो वो तो उर्दू स्पीकिंग है ही नहीं, सिंधी परेशान नजर आएगा रोड नहीं है। आपको पता है चेयरमैन बिलावल साहब ने मुर्तजा साहब को इसीलिए डिप्लॉय किया कि वो कराची हाइट और चीजों को देखेगा। जितना कराची हाइट इस वक्त काम कर रहा है यार, और क्या क्या होगा, हमें लोगों को आगे आना पड़ेगा फिर काम होगा। दूसरी चीज ये कि खान साहब, आपके घर मेरे घर में एक मसला है, मैं मोहल्ले में बोल दूं मेरा घर गिरने वाला है, कोई मेरे घर आएगा? कभी नहीं आएगा। एक छोटे छोटे जिनको लोगों को पता नहीं है, किसी चीज का सेंस नहीं है, वो टीवी में बैठ के बोलते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था। खुदा हेल दे यार, किसने बोला उनको ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान की मुखालफत करो? पाकिस्तान मेरा घर है, मेरे घर को तुम कैसे बोल सकते हो टूट जाएगा? मैं अपने घर में बैठा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये टूटने वाला है तो मेरे घर में कौन आएगा? आप मुझे ये तो बताओ। चलो मैं धंधा करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं बोलूँ मेरा बिजनेस डूबने वाला है, मेरे बिजनेस में कौन पैसा लगाएगा? आप कहते हो जी पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान जो है वो बर्बाद होने वाला है।